हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना। पकवान विद कल्पना में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बनाइए एक दिन और खाइए 10 दिन। ये है सेम, उबली हुई ये वाली हरी वाली सेम। इसको धो के अच्छे से, इसको इस तरह से, इसका ये पार्ट ऐसे ऐसे करके आप निकाल के छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। उसके बाद एक हल्का सा इसको स्टीम दे देना है, ये बहुत गलने ना पाए। गैस पर रखिए तेज आंच में थोड़े से पानी में, और इसको फटाक से जब एक सीटी आ जाए इसको आप तुरंत निकाल लीजिए इसका प्रेशर, और इसको ये रेडी कर लीजिए उसके लिए। और इसके बाद आप ये करिए, ये देखिए, ये है मैंने 4 मिर्चियाँ ली हैं। ये कच्चे मसाले से बनता है, ये आप एक दिन बना के रख लीजिए तो हफ्ते भर खाइए। वैसे तो ये किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके ही बनता है, और ये अकेले ही बनती है ये मिर्चियाँ। ये है धनिया की जो जो डंडियाँ नहीं होती हैं जिसमें पत्ती नहीं होती है, उसको आप डाल लीजिए। इससे टेस्ट आता है, एक धनिया से अलग सा हट के टेस्ट आता है इसका। और ये है लहसुन की कुछ कलियाँ, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया की। और ये है काली सरसों, इसे एक बड़ा चम्मच लेना है। और ये है हल्दी पाउडर, इसको एक छोटा चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है ना, बस उसी चम्मच से एक चम्मच इसको ले लेना है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है हमको। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। नमक टेस्ट अनुसार, मिर्ची भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मेरी मिर्ची तीखी नहीं थी इसलिए मैंने डाला था। नमक टेस्ट अनुसार और एक बड़ा चम्मच तेल, सरसों का कच्चा तेल रहेगा, हमें तेल गरम करके नहीं लेना है। इसको ऐसे सब मिला लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और सब्जियों में जो जो नहीं सब्जी नहीं खाते इसकी, वो ये अचार खाएंगे। ये देखिए हमारा ये अचार बन के रेडी हो गया। इसको आप किसी बर्तन में रख के 10 दिन आप खा सकते हो। फ्रिज में रखिए, खाइए। देखिए, ये देखिए हमारा अचार बन के इतना फटाफट 5 मिनट के अंदर हमारा ये अचार बन के रेडी हो गया। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।